हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था एरर के बारे में, और लास्ट में ये भी बताया था कि इन आवर नेक्स्ट क्लास हम क्या डिस्कस करेंगे, एरर इन कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में हम कौन कौन सी एरर कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। तो मैंने थ्री आपको बताई थी, कौन कौन सी, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंट एरर, जिनको आप न्यूमेरिकल्स में आपको कैलकुलेट करना होता है फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो आज हम उन्हीं पे बात करते हैं। एरर के सारे टाइप मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। आज हम जिस टॉपिक के साथ इस क्लास में हैं, वो टॉपिक है हाउ टू एक्सप्रेस द एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? डेफिनेशन इज सेम एज द डेफिनेशन ऑफ एरर। This is the definition, the difference between the true value and the measured value of a physical quantity. इसको आप numerically या mathematically कैसे express करेंगे? If A is true value, और जब आप इसको measure करेंगे तो या actual value से या तो कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे, तो जो measurement का difference आएगा उसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। आपने या तो प्लस डेल्टा ए ज्यादा मेजर कर लिया है, कम मेजर कर लिया है, इसलिए प्लस माइनस एक साथ लिखा है। और फॉर्मूला क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देन एब्सोल्यूट एरर इज ए माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दैट इज ए एंड ए इज कैंसिल, इट इज माइनस प्लस डेल्टा ए। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्लस ए अगर आप ज्यादा मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव होगी, और अगर आप एक्चुअल वैल्यू से कम मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल स्टेप के लिए हुआ, जब आपको एक्चुअल वैल्यू पता हो ट्रू वैल्यू क्या है तब आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी की आपको ट्रू वैल्यू ही नहीं पता, तो फिर ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन लैबोरेटरी तब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में, एट द 11th स्टैंडर्ड यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट लाइक मेजरमेंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए स्पेरिकल बॉडी बाय द वर्नियर कैलिपर्स, द डायमीटर ऑफ ए वायर बाय ए स्क्रू गेज। तो वहाँ तो आपको ट्रू वैल्यू कोई अननोन वायर दे दिया गया, आपको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है, या नॉन स्पेरिकल बॉडी दे दी गई तो उसका डायमीटर पता ही नहीं है, तो ट्रू वैल्यू से ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे? उस सिचुएशन में क्या होता है देखते हैं। तो पहले तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे स्क्रीन को पॉज करके, अब इसके आगे। ठीक है, सर हम क्या करेंगे कि बहुत सारे मेजरमेंट लेंगे, जैसे जो भी तरीका प्रोसेस आपको बताया जाएगा, प्रोसीजर जो आपके एक्सपेरिमेंट का, आपने एक बार अडॉप्ट किया कुछ और वैल्यू आई, दूसरी बार अडॉप्ट किया कुछ और वैल्यू आई, तीसरी बार अडॉप्ट किया कुछ और आई। यहाँ पर नोटिस करते हैं, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स आई एंड एक्स एन आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एन एक्सपेरिमेंट, देन ठीक है, तो आप कह लीजिए
mean value of measurement. X1 plus X2, Xi plus Xn divided by n. Mean value of observations. और इसी को आप क्या नोटिस करेंगे, ट्रू वैल्यू. समझ गए ना आप बात. जैसे किसी डायमीटर का एक्चुअल जो है वो आपको नहीं पता है, किसी स्फेरिकल बॉडी का या किसी वायर का पूरा, तो आपने पहली बार में मेजर किया 2 सेंटीमीटर, दूसरी बार में 2.1, कभी 1.9, कभी 2.33, ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन हुए, उन्हीं को मैंने नोटिस किया एक्स वन एक्स टू. इस सिचुएशन में इन सब ऑब्जर्वेशन का जो मीन है उसी को हम ट्रू वैल्यू अज्यूम करेंगे. और ये क्या है यहाँ पे, सॉरी एक्स आई, आई था ऑब्जर्वेशन है. तो एब्सोल्यूट एरर इन आई था ऑब्जर्वेशन. इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस xi minus this mean value. इस mean value को भी हम कुछ notice कर सकते हैं, x bar notice कर लेंगे इसको, x bar, और इसको हम लिखेंगे delta xi, absolute error in ith observation. ith का मतलब तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, कोई भी third, fourth, fifth, sixth. तो ith observation में पहले आपने सारे observation की mean value ले ली, उसको हमने x bar notice कर लिया. अब आई था ऑब्जर्वेशन में कितनी एब्सोल्यूट एरर थी उसको काउंट करने के लिए डेल्टा एक्स आई से हमने रिप्रेजेंट किया है आई था ऑब्जर्वेशन की वैल्यू. सपोज करिए थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपकी वैल्यू आई है 2.5 और सबका मीन आया है 2.3, तो 2.5 माइनस 2.3 दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द आई था ऑब्जर्वेशन. लेकिन ये पर्टिकुलर के लिए है. अब टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर आप कैसे निकालेंगे पूरे ऑब्जर्वेशन की, पूरे रिजल्ट की. मीन एब्सोल्यूट एरर हर ऑब्जर्वेशन के आप ये एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. जैसे आइथ की निकाली, सेकंड की निकाली, थर्ड की निकाली, फोर्थ की निकाली, एन ऑब्जर्वेशन की, इनमें से कुछ ले सकते हैं. तो ये क्या होगी मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स एन डिवाइडेड बाई एन. दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन द एक्सपेरिमेंट. मीन्स आइथ ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की एब्सोल्यूट एरर, सेकंड ऑब्जर्वेशन की, थर्ड एंड सो ऑन पूरा, और इन टोटल का मीन. इसको हम फाइनली कैसे लिख सकते हैं, दैट्स 1 अपॉन n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n एंड डेल्टा एक्स आई. ठीक है, और ये आपको यहाँ पे नोटिस रखना है कि मॉड वैल्यू है ये, चाहे नेगेटिव आई हो या पॉजिटिव आई हो, सिंपली एड होगी. दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, यू कैन अगेन नोट डाउन दिस बाय पुशिंग द स्क्रीन. अब हम नेक्स्ट वाली एरर की तरफ जाते हैं. तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर थी. ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ट्रू वैल्यू पता है तो ए प्लस माइनस डेल्टा के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये. अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. सेकेंड क्या बताई थी मैंने, रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर पहले इसको डिफाइन करते हैं. द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर. तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या होगा.
relative error equals to absolute error divided by true value. और यहाँ जो हमने कैलकुलेट की थी वो एब्सोल्यूट एरर कितनी थी, डेल्टा ए, और ट्रू वैल्यू को हमने क्या सपोज किया था, ए. दिस इज रिलेटिव एरर, दिस इज द सेकंड एरर, रिलेटिव एरर. तो सिंपल है, अगर एब्सोल्यूट एरर आपको पता है तो उसको ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं, ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते ही एरर आ जाएगी. एंड थर्ड वन, परसेंटेज एरर. सबसे ज्यादा कैलकुलेशन और अमेरिकन्स में आपको इसी की जरूरत पड़ेगी. एक्सपेरिमेंट में भी फाइनली आपको लास्ट में यही निकालना पड़ेगा कि कितनी परसेंटेज एरर आपने की है ड्यूरिंग द आफ्टर द एक्सपेरिमेंट. ओके, तो कुछ भी नहीं है ये, दिस इज रिलेटिव एरर इनटू 100, ये इन परसेंट हो जाएगी, दैट इज डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100. इसको इन परसेंट में आप लिखेंगे, जो भी कैलकुलेट हो गया है ये होगा द परसेंटेज एरर. सिंपल सा बात है ना, एब्सोल्यूट एरर निकालना आपको आ गया. एब्सोल्यूट एरर जब पता है तो ट्रू वैल्यू भी पता है, उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव एरर आप कैलकुलेट कर लेंगे, और रिलेटिव एरर को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गई परसेंटेज एरर. दीज आर द थ्री टाइप ऑफ एरर विच आर यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स एंड इन द एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी. ओके, तो ये आपका एरर टॉपिक था. अब एरर में अभी भी बहुत कुछ है, ठीक है. तो ये तो सिंगल सिंगल क्वांटिटीज की बात हो गई. हमें पता है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज भी होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज जो औरों पे डिपेंड करती हैं, जैसे एरिया, एरिया में लेंथ एंड ब्रेथ दो है, जैसे फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन. इस तरीके से ड्राइव क्वांटिटीज अदर फंडामेंटल या अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड कर सकती हैं. अगर उनमें भी एरर निकालनी हो ऐसी किसी क्वांटिटी से, जैसे आप एरिया के एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एरिया में क्या है, लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो आप लेंथ मेजर करने में भी मिस्टेक कर सकते हैं, उसमें भी एरर होगी, ब्रेथ मेजर करने में भी कर सकते हैं. तो जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ में भी आपने एरर की, ब्रेथ में भी की. तो उस कंडीशन में आपको अलग तरीका यूज करना पड़ेगा, मैं उसकी भी बात करता हूँ, ठीक है. इसको भी आप ऐसे नोट डाउन करें. रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इन अ क्वांटिटी लाइक यू इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ए बाई टू द पावर बी जे टू द पावर सी. डायमेंशनल एसेस में मैं ये आपको बता चुका हूं अ क्वांटिटी, और चलिए मैंने जिस फॉर्म में बताया था वही नोटिस करता हूं, पी बताया था. फिजिकल क्वांटिटी पी विच इज डिपेंड अपॉन सम अदर क्वांटिटीज एक्स वाई जेड विद देयर पावर्स ए बी सी. अगर ऐसी किसी क्वांटिटी में आपको एरर निकाल लिया परसेंटेज रिलेटेड तो क्या करेंगे, तो इसका एक शॉर्ट डेरिवेशन है, मैं आपको बताता हूँ. व्हाट इज द डेरिवेशन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग ले लिए, तो दिस इज log p equals to log x to the power a by 2 to the power b and z to the power c. अब log के कुछ फॉर्मूले हैं जो यूटिलाइज करने होंगे, ठीक है. तो मे भी आपको ना मालूम है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ. द फर्स्ट वन, log m n equals to log m plus log n, ठीक है. ये दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है log के साथ में, तो सेपरेटली में क्या लिखा, लॉग एम प्लस लॉग एन. अगर यहाँ पे कोई थर्ड क्वांटिटी भी होती लाइक क्यू एम एन क्यू, तो हम इसको लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग क्यू. द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथमिक इज लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, इट इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन. एंड थर्ड वन इज लॉग एम टू द पावर एन, इट कैन बी रिटन एज एन लॉग एन. ये थ्री टर्म्स हैं, और द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स,
दिस इज 1 अपॉन x. इसका मीनिंग तो एक्चुअल में ये हुआ कि पहले हमने लॉग को डिफरेंशिएट किया है x की रिस्पेक्ट में, उसके बाद में हमने x को डिफरेंशिएट किया. तो जब यहाँ पे भी लिखते हैं dx अपॉन dx, तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए जस्ट 1 आ जाता है. ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन टर्म कुछ और हो, किसी और की रिस्पेक्ट में क्वांटिटी वेरी हो रही हो, जैसे यहाँ पे y होता, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन x और यहाँ पे सिर्फ dy अपॉन dx. ठीक है, जैसा ये फोर्थ वन एंड फिफ्थ को अगर हम ऐसे लिखते d अपॉन dy log x, तो ये होता 1 अपॉन x dx अपॉन dy. ठीक है, अब इन फॉर्मूले को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे, देखते हैं कैसे. इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, log p is equals to according to the first formula log x to the power a plus log y to the power b and log z to the power c, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया. अब दूसरा फॉर्मूला यूटिलाइज हो जाएगा, थर्ड वन, दिस log m to the power n means n log n. तो यह क्या है, log x to the power a, that is a log x, similarly this z log y plus c log z, this is the third. Now this is equals to log p. अब हम इसको क्या करेंगे, differentiate करेंगे, differentiate अब. Okay, तो differentiation क्या है, log p का क्या होना चाहिए, like this 1 अपॉन p होना चाहिए, लेकिन किस क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये यहाँ पे अननोन है. ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट भी आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डी वाई डी वाई लॉग एक्स वन अपॉन एक्स देन डी एक्स अपॉन डी वाई. अपॉन में जो भी क्वांटिटी होगी वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगी, वो दोनों साइड में आएगी, जिसकी रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं यहाँ भी अपॉन में होगा, इधर भी अपॉन में होगा, तो कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या होगा, पहले 1 अपॉन p फिर डी पी, ओके डी पी अपॉन डी टी डी एक्स डी वाई जो भी होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ए पावर क्या होती है, डिजिट होते हैं, तो कॉन्स्टेंट है, उसको तो हम डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, इसको करेंगे. सर से लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सिमिलरली बाई डी वाई अपॉन बाई, या फिर सेपरेटली अगर लिखें तो 1 अपॉन बाई डी वाई प्लस सी 1 अपॉन जेड डी जेड. ओके, तो जो स्मॉल डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस जैसे डी एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, डी वाई है तो डेल्टा वाई, सिंपल टर्म में जो हम यूज करते हैं, जैसे आप लोग ये फोर्स का फॉर्मूला नोटिस करते हैं, तो इट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसी को डिफरेंशियल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, डी पी अपॉन डी टी. तो इट मीन्स डी कैन बी रिप्लेस बाई डेल्टा. ओके, तो यहाँ भी कर लेते हैं, देखिए दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा पी अपॉन पी ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन जेड. और आप ये देख पा रहे हैं दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. क्वांटिटी को मेजर करने में डिफरेंस आया उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा ए को क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट एरर, और ए को क्या बोला, ट्रू वैल्यू. तो यहाँ डेल्टा पी मे बी द एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी पी एंड पी इज इट्स ट्रू वैल्यू. सेम हियर, डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी एक्स डिवाइडेड बाई द ट्रू वैल्यू. तो ये सब का सब क्या हुआ, रिलेटिव एरर हुआ. तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर. ठीक है, ये फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी मैं रब कर रहा हूँ फाइनल करने के लिए इसको. देखते हैं क्या होता है. नाउ रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या हुई, इन क्वांटिटी पी इज पी इक्वल्स टू ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस वी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन जेड. ये रिलेटिव एरर है. और क्या होता है, मैंने आपको जब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर हो जाती है. तो क्या होंगे, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी इफ डेल्टा पी अपॉन पी, इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी है.
यहाँ पे भी यही हो जाएगा, ए डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई बाई 100. दिस इज द परसेंटेज इन द क्वांटिटी. दिस फॉर्मूला इज यूज इन मैनी न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो दिस इज, तो न्यूमेरिकली आप इसको यूज कर सकते हैं. और बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एरर से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ वी एक्सप्रेस द एरर इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन, इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन द प्रोसेस ऑफ सब्सट्रैक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन. ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका यही है. आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है. और दिस इज द परसेंटेज. ओके, अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी कोई इनमें से अपॉन में होती लाइक दिस, एक्स टू पावर ए बाई टू पावर बी अपॉन जेड टू पावर सी, तो भी हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते थे. पावर माइनस में आ जाती थी, ठीक है ना, और फिर हम इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते थे. तो आज के लिए इतना सफिशियंट है. नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट क्लास आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट की और एरर की लास्ट क्लास होगी. ठीक है, ओके, गुड बाय टिल द नेक्स्ट क्लास.